हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे आम की सीजनल डिश मैंगो कुल्फी। तो चलिए इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा लीटर 500 ml दूध ले लिया है, जिसको एक पैन में मैंने डाल दिया है। इसको हम हाई हीट पर बॉइलिंग के लिए रख देंगे। जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, तब तक चलिए थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने रूम टेम्परेचर पे आधा कप दूध लिया है, जिसमें मैं आधा कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसको मिक्स हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको गर्म दूध में डालें तो लम्प्स ना बने और ये बहुत ईजिली घुल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक साइड में रखेंगे। दूध में भी उबाल आ गया है। अब हम दूध को लगभग 10 मिनट के लिए हाई से मीडियम हीट पर कुक करेंगे, जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें एक छोटे चम्मच इलायची पाउडर का मिला लेंगे। साथ के साथ हम ऐड करेंगे इसमें आधा कप चीनी का। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम मीडियम हीट पर ही कुक करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक और कुक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा मैं केसर डाल रही हूँ। केसर से कलर भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है, इसलिए इसको डालना थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। इसको हम फर्दर थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ अपने मिल्क पाउडर का मिक्स। इससे दूध हमारा इमीडिएटली गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों। इसको अब हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जब तक दूध हमारा कुक हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं, जिनके मैं साइड्स को कट करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी और इसको मैं कुल्फी के मिक्सचर में डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसको अब मैंने ग्राइंडर जार में डाला है। डाल के इसको अब हम पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पर हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल अच्छा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छा रेडी है। यहाँ पर अब मैं ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते हैं तो दूध को हम और गाढ़ा कर लेंगे ब्रेड क्रम्स को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1 बड़े चम्मच बादाम और 1 छोटे चम्मच पिस्ता का मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो डालें या चाहें तो स्किप कर दें। अब फाइनली हमारी कुल्फी रेडी हो गई है दोस्तों। यहाँ पर मैं फाइनल इन्ग्रीडियंट डाल रही हूँ, घर का पिसा हुआ मैंगो पल्प। 1 कप मैंगो पल्प डाल रही हूँ मैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुल्फी का मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है दोस्तों। अब इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो जल्दी ठंडा हो जाए। इसको हम लगभग रूम टेम्परेचर तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको कुल्फी मोल्ड्स में फिल कर लेंगे। चाहे तो इसको किसी भी कुल्फी मोल्ड में फिल कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन का। कुल्फी मोल्ड्स नहीं है तो कटोरियों में जमा लें छोटी छोटी, कुल्फी तो बन ही जाएगी। बस दोस्तों, इसका ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में 6 से 8 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। इसको 8 घंटे के बाद मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है और इसको 6 से 7 सेकंड के लिए मैंने वार्म वाटर में डिप कर लिया है। डिप करने के बाद दोस्तों, इसको देखिए कुल्फी कितनी आसानी से निकल आई है। बस तैयार हो गई हमारी मैंगो कुल्फी। तो दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई करें और एंड रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।